देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की दो सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, जहां पहली सीट गोपालगंज की है तो वहीं इस उपचुनाव में दूसरी सीट मोकामा की है और इन दोनों सीटों पर वोटर्स लगातार अपने वोट डालते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मोकामा से सामने आ रही है, जहां पर एक मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। आपको बताएं कि ये मौत मोकामा के पंजारक में हुई है, जहां आज अहले सुबह 4:30 बजे से ही उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और एक सहयोगी के द्वारा जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया बाद में तब उनकी मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट है मोकामा की तरफ से, जहां पर मोकामा के 289 मतदान केंद्रों के 175 मतदान भवनों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। लगातार वोटर्स अपने वोट गिरा रहे हैं और ऐसे में संजय कुमार नाम के इस मतदान कर्मी की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गई है। आनन फानन की स्थिति में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये जो उनकी मौत है वो हार्ट अटैक आने से हुई है। इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मतदान कर्मी संजय कुमार, जो मतदान क्रम संख्या 46 पर मतदान कर्मी 3 यानी P3 के रूप में, परंतु आज प्रातः 4:30 बजे उन्हें परेशानी होने लगी। सहयोगी कर्मी के द्वारा सूचना के बाद अनुमंडल अस्पताल बाड़ में एम्बुलेंस के से इलाज हेतु उन्हें ले जाया गया, परंतु चिकित्सक के अनुसार रास्ते में ही हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो चुकी थी। इस संबंध में पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई कि आज सुबह 4:30 बजे अचानक से उनकी तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उनके सहयोगी कर्मी के द्वारा अनुमंडल अस्पताल बाड़ एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार रास्ते में ही हार्टबीट रुकने से यानी कि हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद पदाधिकारियों ने उनके संबंधियों को, उनके परिवार वालों को सूचित करने को कहा है और कहा है कि ताकि उनके परिवार वाले को सूचित जाए और उन्हें यहां से ले जाया जा सके। तो जहां एक तरफ बिहार की दो सीटों पर उपचुनाव जारी है, चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। मोकामा इस उपचुनाव की हॉट सीट बनी हुई है। मोकामा में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, 289 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं इस बीच एक मतदान कर्मी की हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है, जिसके बाद कुछ देर के लिए वहां हड़कंप की स्थिति मच जाती है, पदाधिकारियों में अफड़ा तफड़ी मच जाती है, चूंकि अचानक से ये मौत होती है, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हृदय गति रुकने से ये मौत हुई है। तो ये अपडेट है मोकामा से, जहां उपचुनाव के बीच ऐसी घटना घटित हुई है। फिलहाल के लिए इस बड़े अपडेट में अपना ही है ना, कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।